ठीक है बेटा, अब हम बाय क्वाड्रेटिक के बाद आगे बढ़ते हैं। एक फिफ्थ पार्ट और समझ लो कि एक और टाइप होता है पॉलिनोमियल का, जिसको हम कहते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको हम? क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो होती है हमारी 5। क्या होती है? 5। जैसे एक्स एज टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, टी की पावर 5 प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल बताओ किस वेरिएबल में है? तो आंसर है एक्स वेरिएबल में। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? तो आंसर है टी वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन सारे टर्म्स में से इस टर्म में जो वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर 5 है, जो हाईएस्ट पावर है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ करना भूल गए, हमें एक डेफिनेशन पढ़नी थी डिग्री की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पढ़ेंगे अभी। अभी इसमें दो टाइप्स और रह गए हैं, फटाफट वो और समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार वाला पॉलिनोमियल होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, वो ज़ीरो ही होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल आ गया भाई, है ना। देखो, जैसे मैं लिखूँ कोई पॉलिनोमियल 2, है ना, 2 मैंने लिखा, तो अब 2 के साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं है। अब आप कहोगे सर वेरिएबल है, देखो x की पावर 0 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। मतलब कोई भी नंबर हो, नॉन ज़ीरो नंबर, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसकी पावर क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो 2 × 1 तो 2 ही हो गया। तो ये कैसा पॉलिनोमियल बन गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, माइनस का 7, माइनस का 132, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 ही चल रही होगी ना, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि एक्स की पावर 0 ऑलवेज क्या होती है, 1। और 1 में हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा हमें भाई, है ना। जैसे मैंने सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। मैंने आपको जितने भी कांस्टेंट नंबर बताए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, एक्सेप्ट 0। जो जैसे आपको, जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल में लिखा हुआ मिल गया 0, तो आप कहोगे सर ये भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझेंगे, लेकिन एक्सेप्ट 0, अगर कोई भी कांस्टेंट है जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा, मतलब 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, और माइनस 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो समझेंगे। तो वही हमारा 7th टाइप है, जिसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर है। अब आ जाओ 0 पॉलिनोमियल पे। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमें एक चीज़ तो क्लियर थी ना, कि भाई कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर दे रखा है, मान लो 8, अब 8 कब आया होगा, जब मैं उसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, सोचने वाली बात है ना, तभी तो 8 आएगा। अब ये 1 कैसे आ सकता है, जब किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, समझ रहे हो ना बात को, वेरिएबल की डिग्री, वो सॉरी पावर जब 0 होगी तभी तो 1 आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। लेकिन मान लो अब अगर कोई नंबर है, मैं आपको नंबर लूँ 0,
है ना, जीरो में आप भी तो ये कहोगे कि सर जीरो में अगर हम वन का मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो आएगा, यही तो कहोगे। चलो आपकी बात मैंने बड़ी मानी, मैंने यहाँ पे जीरो को मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, चलो आपके लिए कह दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कहोगे सर एक्स की पावर जीरो होगी और जीरो इंटू वन करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि एक्स की पावर जीरो वन ही होता है, कोई भी नंबर की पावर जीरो हो लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, वो आप क्लास इलेवेंथ में सीखोगे। तो वो नंबर क्या होता है, वन होता है, कोई भी नंबर की पावर जीरो हो और जीरो से वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, बच्चों वाली बातें। अच्छा अब अगर मान लो अगर मैं ज़ीरो का हंड्रेड में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, हंड्रेड आएगा कि वन थाउजेंड या ज़ीरो आएगा, तो आंसर ये था तब भी ज़ीरो आएगा, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। अब अगर मैं ज़ीरो में मान लो टू का मल्टीप्लाई करूँ तब भी ज़ीरो आएगा, ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो इंटू एक्स की पावर ज़ीरो लिया है, मान लो अगर मैं ज़ीरो एक्स स्क्वायर लूँ, एक्स की पावर टू लूँ, मैंने एक्स की पावर टू मान लिया मान लो, तब भी तो मेरे पास ज़ीरो ही आएगा जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा। फिर से मान लो मैंने एक्स की पावर हंड्रेड ले लिया मैंने हंड्रेड, है ना, तब भी आंसर मेरे पास ज़ीरो मिलने वाला है। तो मतलब क्या है मालूम है, अब आप सोचोगे यार मैं कैसी एक्स की पावर लूँ कि जिससे मुझे ज़ीरो मिल जाए, तो एक्स की पावर इसमें है ही नहीं है, मतलब एक्स की पावर क्या है, अनडिफाइंड है, आपको एक्स की पावर मालूम ही नहीं होगी, इवन मुझे भी नहीं मालूम है ऐसी कौन सी पावर लूँगा कि ज़ीरो आ जाए, कोई भी पावर ले लो ज़ीरो का ज़ीरो ही आना है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात चल रही है, सिर्फ ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात समझ में आ रही है। तो बेटा ज़ीरो पॉलिनोमियल में हमें जो जो पावर होती है ना, द हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, वो अनडिफाइंड होती है, हमें मालूम ही नहीं है इसमें एक्स की कौन सी पावर लें भाई, बात समझ में आ रही है। हो सकता है आप एक्स की पावर लेना चाहो तो एन ले लो, तब भी ले लो, ज़ीरो का मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो आएगा, फैक्ट है कि नहीं है, है ना। लेकिन एक बात है, अगर मान लो कोई आप कॉन्स्टेंट नंबर लो फाइव और आप उसमें एक्स की पावर टू लो तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, फिर आप नहीं कह सकते हो कि ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है। तो इसीलिए देखो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में हमें मालूम रहता है कि एक्स की पावर ज़ीरो आएगी ही आएगी, है ना, ज़ीरो पॉलिनोमियल में हमें मालूम ही नहीं है कि एक्स की पावर क्या आना है भाई, समझ में आ रही है। तो इसीलिए ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए एक्स की पावर क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, मालूम ही नहीं रहता, अनडिफाइंड कह लो या नॉट डिफाइंड कह लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे सात टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब बेटे हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसकी बस सीधी सीधी एक डेफिनेशन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्या, फिर से मैंने बोला जो आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो x प्लस वन, मैं अलग अलग पॉलिनोमियल लिखूंगा, जैसे ये पी एक्स है पॉलिनोमियल इन x, जेड स्क्वायर प्लस वन या जेड स्क्वायर प्लस फाइव मान लो तो ये पॉलिनोमियल इन z चल रहा है,
जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन, ये भी पॉलिनोमियल इन जेड है। और मैं कौन सा लूँ, जेड टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये पॉलिनोमियल इन टी है ना। और लेके देखते हैं टी की पावर फोर प्लस टू टी स्क्वायर प्लस वन, ये भी पॉलिनोमियल इन टी है। जेड की पावर नाइन प्लस जेड की पावर एट प्लस टू, है ना, ये पी पॉलिनोमियल इन जेड चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के लिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्या बोला मैंने, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री, तो डिग्री क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि कौन से टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिख रही है आपको, कौन सा टर्म है जो, मतलब इसमें अलग अलग दो टर्म है, एक एक्स और एक प्लस का वन, तो इस वाले टर्म में वेरिएबल एक्स है बस, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन, तो वही उसकी पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, है ना। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास डिग्री क्या है, वन। इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर आपने बोला है कि पॉलिनोमियल में जो अलग अलग टर्म्स होते हैं ना उसमें पहले देखो कौन वेरिएबल की, मतलब किस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिख रही है, तो मुझे इसी में दिख रही है जो कि है टू, वही मेरी डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब इस वाले पॉलिनोमियल में आ जाओ, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन है, तीन टर्म का पॉलिनोमियल है ना, तीन टर्म है, तो देखो इसमें जेड की, इस टर्म में जेड स्क्वायर है, इस टर्म में जेड की पावर वन है और इस टर्म में जेड की पावर जीरो है, तो जेड की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, तो आंसर है टू, है ना, तो वही टू जो होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। अगर आपसे स्पेशली पूछता है कि भाई बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप छानने बैठ जाओगे तुरंत हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट पावर को, किसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप छानने बैठ जाओगे, ढूंढोगे कि फटाफट देखो भाई कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है, कितनी है। जैसे मुझे आप बताओ इसमें, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आप फटाफट सर्च करोगे कि भाई वेरिएबल देखो और उसकी हाईएस्ट पावर देखो, तो तीन दिख रही है, तो भाई इसकी डिग्री हो गई। इसमें बताओ, तो इसमें इस पॉलिनोमियल में फटाफट आप देखोगे वेरिएबल हैं, है ना, वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल में फोर दिख रहा है जो कि हाईएस्ट पावर है, मतलब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर फोर है, तो भाई उसकी डिग्री होगी। इसमें बताओ, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल की पावर नाइन भी है, एट भी है इस वाले टर्म, और इसकी, इसमें क्या है बताओ, वेरिएबल की पावर इसमें ज़ीरो है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, नाइन, वही उसकी क्या हो जाएगी कि डिग्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, डिग्री जो है, डिग्री जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर्स होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, इट शुड बी ज़ीरो वन टू थ्री एंड अप टू इन्फिनिटी, कितनी भी, 99,000 करोड़ 100 करोड़ कितने भी। क्या नहीं होनी चाहिए, मैंने शुरू में भी बताया था, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटे, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो अब हम करेंगे अपना एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि बेसिक वीडियो में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल ऑलवेज वन वेरिएबल में चलता है, कभी भी उसमें दो तीन वेरिएबल अलग अलग नहीं हो सकते हैं, और उसमें जो डिग्री की जो पावर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होती है, बिल्कुल फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल,
ठीक है, हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो सिंगल वेरिएबल में चल रहा है एंड विच आर नॉट। ठीक है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। चलो देखो, दो बातें ध्यान रहे जब आप पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हो कि वेरिएबल एक ही वेरिएबल में चलना चाहिए। दूसरी बात, जो वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटे अगर मैं फर्स्ट को देखूँ, 4x² - 3x + 7, वेरिएबल एक ही वेरिएबल में चल रहा है x वेरिएबल में, तो मैं इसको बोलूँगा पॉलिनोमियल इन x। कैसे लिखूँगा मैं उसको, px = ठीक है, यहाँ तक तो पहली चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। क्या अभी ये वास्तव में पॉलिनोमियल है? हाँ है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया यस, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड वाले को छानते हैं भाई। देखो ये पॉलिनोमियल भी आपका है, लेकिन सुनो, ये पॉलिनोमियल देखी जाए तो वाई वेरिएबल में है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली। दूसरी क्या हम चेक करेंगे कि डिग्री देखेंगे वेरिएबल की, है ना। तो पहली कंडीशन तो इन्हें सेटिस्फाई कर ली है फिर से कि ये वाई वेरिएबल में चल रही है। ठीक है, अब देखो इसकी वेरिएबल की पावर देखो। हाँ, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर ये तो कांस्टेंट नंबर है, मुझे ये बताओ ये कांस्टेंट नंबर है ना, कैसा नंबर है ये, क्लास चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है? हाँ, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, माना ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो 0 ही होगी ना सर? बिल्कुल होगी, क्योंकि y की पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, और 1 × √2 √2। तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा मुझे फटाफट एक बात और बताओ जल्दी से, कि मैं इस √2 को इसकी पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? वेरी गुड, 2 की पावर 1/2, क्योंकि सर ये जो होता है ना n, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a की पावर m/n। वेरी गुड, इसका मतलब आपने सीख लिया है। चलो ये भी एक पॉलिनोमियल है, चेक कर लेना बाद में आंसर्स को। अब चलो थर्ड वाला देखते हैं। आप कहोगे कि सर ये पॉलिनोमियल t वेरिएबल में तो है, पहली चीज़ क्या है, पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल में तो है, लेकिन सर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे टी की पावर 1 है, चलो, और इसको देखें तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो सर इसकी पावर, जो इसकी पावर है वो तो सर उसमें आ गई, किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, प्रॉपर चलना चाहिए, वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है, चलो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, इसको देखो क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो वाई वेरिएबल में तो है, ये पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल में तो है, लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे वाई की पावर 1 तो है सर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y की पावर -1। मैं y को उठा के ऊपर ले गया, हमने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक सीखा है ना, तो सर पावर तो इसकी नेगेटिव आ गई, आपने तो मना करा था कि होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये होगा नहीं, है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट को देखते हैं। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे बेटा। ठीक है, लास्ट पार्ट में देखो, अलग अलग वेरिएबल्स में है पॉलिनोमियल, एक एक्स में है, एक वाई में है, एक टी में है, पर एक चीज़ अगर हम देखें कि हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये लास्ट वाला जो पॉलिनोमियल है अगर हम देखें तो ये 3 वेरिएबल में है। देखो है तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 वेरिएबल में नहीं है,
ये तीन अलग अलग वेरिएबल में है, है प्यारे बच्चों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है, कितने वेरिएबल में है, ये इन थ्री वेरिएबल्स में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वन वेरिएबल नहीं है लेकिन पॉलिनोमियल है, तीन वेरिएबल वाला। ठीक है बेटे, तो आई थिंक ये पांचों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।